मतलब स्ट्रेस की वजह से ही मैंने डेवलप किया था इस कंडीशन। उसके बाद मैंने एक मूवी एक सॉरी ये बहुत सारी टेबलेट्स हैं वो खाता रहा हूँ, पेन किलर्स भी लेता रहा हूँ। बट अभी ये जब ये सीजन शुरू हुआ है विंटर का तब तो बिल्कुल ही दर्द कहाँ कहाँ रहा है। दर्द मुझे बेसिकली ये मेरे जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं, मैं यहाँ तक आता हूँ तो मेरे ये उंगलियों में स्ट्रेच हो गए, मैं और पीछे गया मेरा यह भी स्ट्रेच हो गया और ये पेन फील होता है। सिमिलरली इस हाथ में होता है लेकिन वो काफी कम है तो वो इतने ज्यादा फील नहीं होता। और जब मैं ड्राइव करता हूँ तो इफ आई ड्राइव फॉर एन आवर और लॉन्गर तो फिर मेरे ये गर्दन यहाँ पर मतलब वो स्पॉट फिक्स भी नहीं है, वो किसी भी टाइम कहीं भी होता है। लेकिन मैं चार दिन गया हूँ हार्डली और फिर वहाँ पे मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। खिदमत में जी जी कौन किसमें दर्द आ रहा है कहीं पे? नहीं अब जी नीचे आ रहा है? नहीं नीचे नहीं आ रहा। अच्छा जस्ट यहाँ तक के आप जाएंगे तो फिर दो सर्वाइकल इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है? जस्ट ये आ रहा है ना, इधर मोस्टली आता है एक्सटेंशन में C2 C2। ठीक तो रखें ऊपर उठाएं, दर्द है इधर मैं इसको लूज कर लूँ, ठीक यस बहुत अच्छा बस ठीक। फिर इसका एनर्जी है इनको कि मुझे नमाज में मैं पूरी पेन नहीं पा रहा। एग्जैक्टली सेम वही पैटर्न है ये आपके जो क्रैप्स है ना कान में जाते हैं झुनझुनाहट वाइब्रेशन स्टिंगलिंग या चींटों की आवाज सुनी है ये मेरी लेफ्ट में है कंटिन्यूअसली। ठीक है ये एक्चुअली ये भी सख्त है ये और उठाएं बस ढीला छोड़ दें यहां से। अब लेफ्ट पे देखें अपने ये रेंज, राइट पे देखें फर्क लग रहा है राइट पे फर्क। सीधी करवट पे ज्यादा सोते हैं क्या जी? ये इनकी नॉर्मल नहीं वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है ना। रिलीजियस ऑब्लिगेशन यहाँ की ये है कि यहाँ रखें आप रिलीजियस ऑब्लिगेशन। अच्छा अब घुमाएंगे ठीक है अब राइट पे हो गई पूरी ठीक है लेफ्ट पे देखें पूरी चीज और कि आपकी नेक कंप्रेशन स्पैज़म की वजह से दब गई है। ये आपकी एक्चुअल लेंथ है तकरीबन 1 सेंटीमीटर या ना 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपकी देख के ये चीज की साइज है समझा ना ठीक है आने जाए वो बड़े दो चार छोड़ना ठीक है और साथ में हाथ मोड़ते हैं छोड़ ठीक उसको भी गिरा देंगे ताकि ये स्ट्रेस रिलीव हो। बेशक नीचे हो जाए थोड़े स्लाइड कर लेंगे। एडजस्टमेंट क्यों जल्दी होती है लटक गए हैं यहाँ से इनके मसल्स। अच्छा ये हम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया इस वजह से आ रहा है कि ये पीछे नहीं गए। डिले रखिए हिजामा भी करा चुके यहाँ से होल्ड करेंगे दोनों हैंड से ना ठीक है डिफरेंट पोजीशन पे स्ट्रेच करना था तो मैंने उसी पे परचेज नहीं देर तक अकड़े हुए रहेंगे ठीक है। अगर इचिंग करे खारिश होगा इसको इचिंग नहीं करे तो जब तक ये रह रही है रहने दीजिए उसके ऊपर नहाना हो नहा सकते हैं मसला ठीक है। ये मैं ऐसे करता हूँ दोनों ही शोल्डर